So take out your letter and words part 2 book and open page number 3 to 32. तो स्टूडेंट्स हमने नोटबुक में कैपिटल लेटर जेड कंप्लीट किया है, तब आपको वर्कबुक में उसके प्रैक्टिस करनी है. ओके तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको जेड फॉर क्या दिखाई दे रहा है, जेड फॉर जिप, जिप एन ए चेन. ओके हमने ये नोटबुक में पढ़ा था जेड आई पी जिप. नेक्स्ट जेड जेड से क्या आता है, और जेड फॉर जू, जेड डबल ओ जू. जू किसे कहते हैं बच्चों, जहां पर बहुत सारे तरह तरह के एनिमल्स होते हैं. नेक्स्ट है जेड फॉर जेब्रा, जेड ई बी आर ए जेब्रा. ये जो आपको एनिमल दिखाई दे रहा है ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स वाला, उससे कहते हैं जेब्रा. ओके हॉर्स टाइप दिखता है, मगर हॉर्स हॉर्स का कलर ब्राउन ब्लैक अलग कलर के होते हैं, व्हाइट. लेकिन जेब्रा, जेब्रा पे हमेशा उसके बॉडी पर आपको व्हाइट एंड ब्लैक स्ट्रिप्स दिखाई देंगे. ओके स्ट्रिप्स यानी पट्टी, इस तरह के ब्लैक स्ट्रिप्स. ओके तो स्टूडेंट चलो अब हम प्रैक्टिस करते हैं. ओके ट्रेस करना है, सबसे पहले आपको स्लिपिंग लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद स्लैंटिंग लाइन, अगेन स्लिपिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन. इस तरह बच्चों आपको कैपिटल लेटर जेड कंप्लीट करना है. ये कंप्लीट होने के बाद आपको फ्री हैंड से विदाउट डॉट लिखना है. जेड लेटर बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले स्लिपिंग लाइन शॉर्ट, स्लैंटिंग लाइन और फिर से स्लिपिंग लाइन, हो गया जेड. जेड फॉर जू, जेड, जेड फॉर जेब्रा, जेड फॉर जीप, जेड, कैपिटल लेटर जेड. ओके स्टूडेंट्स इस तरह आपको ये पूरा वर्क पूरा पेज कंप्लीट करना है. हैंडराइटिंग अच्छी निकालनी है और ये लाइन नीचे आने नहीं देनी. ओके सिर्फ 1 2 3 3 लाइंस में आपको कैपिटल लेटर जेड लिखना है. बेस्ट लक.